दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 जीते तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज इंडिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पहला प्रैक्टिस मैच खेला गया, जहां इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दोस्तों, इस मैच की पूरी हाईलाइट और स्कोरबोर्ड से पहले आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में सबसे बेहतरीन बैटिंग की है और सूर्य कुमार यादव ही इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने इस मैच में हाफ सेंचुरी भी लगाई है। दोस्तों, इस मैच में इंडियन इनिंग्स की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। अगर इस मैच के पूरे स्कोरबोर्ड के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा ने बनाए हैं सिर्फ 3 रन 4 गेंदों में, ऋषभ पंत ने बनाए सिर्फ 9 रन 17 गेंदों में। जहां पहले 6 ओवर तक इंडिया का स्कोर था महज 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के अलावा दीपक हुड्डा ने बनाए 22 रन 14 गेंदों में, हार्दिक पांड्या ने 29 रन बनाए हैं 20 गेंदों में, जहां पांड्या काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इस मैच में सबसे बेहतरीन बैटिंग की है सूर्य कुमार यादव ने, जहां सूर्य कुमार यादव ने बनाए 52 रन सिर्फ 35 गेंदों में, जहां सूर्य कुमार यादव ने 3 चौके और 3 लंबे सिक्स भी लगाए हैं। सूर्य कुमार यादव के अलावा दिनेश कार्तिक ने बनाए नॉट आउट 22 रन 14 गेंदों में, वहीं अक्षर पटेल ने बनाए 10 रन 9 गेंदों में। इंडिया का स्कोर 158 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। दोस्तों, आपको बता दें, ये टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस मैच है T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले, जहां इंडियन टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। रोहित शर्मा कैप्टन, ऋषभ पंत विकेटकीपर, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। दोस्तों, आपको बता दें, विराट कोहली को इस मैच में रेस्ट दिया गया है।